महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से एक और बड़ी खबर है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि हमें राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से उम्मीदवार हैं। माहिम से शिंदे की पार्टी ने सदा सरवणकर को उम्मीदवार बनाया है। सवाल यह है कि क्या शिंदे पीछे हटेंगे? घर में आरती उतारी गई, बधाई देने के लिए समर्थकों की भीड़ लग गई। किसी ने माला पहनाकर स्वागत किया तो कोई गले लग गया, किसी ने पैर छुए, और इस तरह महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में एक नए ठाकरे का उदय हुआ है। अमित ठाकरे मध्य मुंबई की माहिम सीट से राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं। माहिम से शिवसेना यूबीटी ने महेश सामंत को मैदान में उतारा है। शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर मैदान में है। सरवणकर 2004, 2014 और 2019 में विधायक रहे हैं, यानी सदा तीन बार के एमएलए हैं। यानी अमित ठाकरे की राह इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी कह रही है कि अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। ये अमित ठाकरे जी के रूप में नया नेतृत्व आ रहा है, तो एक विधानसभा का चुनाव हम तीनों मिलकर उसको समर्थन दे, ये एक अच्छा संदेश जाएगा, ये महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाएगा। अमित ठाकरे मुंबई की राजनीति में पहले से सक्रिय हैं। पिता राज ठाकरे ने पार्टी की छात्र यूनिट का प्रमुख बना रखा है। नव निर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष के हैसियत से छात्रों और युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा पवार, तीनों को करूंगा कि महायुति से एकत्रित हम क्या राज ठाकरे जी के सुपुत्र अमित ठाकरे का समर्थन करें तो अच्छा नहीं होगा? ये मेरी पहल है, अंतिम निर्णय उनको करना है, ये तीनों नेता अंतिम निर्णय करेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके कुछ दिनों के बाद ही राज ठाकरे ने बेटे अमित को पार्टी में लॉन्च किया। तब से यही माना जा रहा है कि आदित्य की सियासत को भविष्य में अमित ही टक्कर देंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए चुनावी राजनीति में नए राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमित ठाकरे की बात की जाए तो मुंबई के रूपारेल कॉलेज से वो ग्रेजुएट हैं। और आपको यह भी बता दें कि 2020 में बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर राज ठाकरे ने बेटे अमित को राजनीति में लॉन्च किया था। अमित ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। यही नहीं, 2019 में ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले आदित्य पहले शख्स थे। आदित्य के खिलाफ एमएनएस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार बीजेपी ने अमित ठाकरे का समर्थन करने की बात कही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।